वोडाफोन में अगर हम देखें तो जो हमने खबर बनाई थी तब ये 12% ऊपर था और अभी भी 10.5-11% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है और ये 7 रुपये 72 पैसे पे अब ट्रेड करता हुआ। मैम, जब से इस पर नेगेटिव रिपोर्ट आई थी लगातार ये शेयर पिटता हुआ गया नीचे, अब ये एक पॉजिटिव खबर और बड़ी पॉजिटिव खबर है और ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये इसका असर मुझे लगता है कुछ दिन तक देखने को मिलेगा। वोडाफोन पे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे, बहुत लोगों की पोजीशन है यहाँ पर इस वजह से क्योंकि छोटे से टिकट साइज़ का शेयर था, क्या करना चाहिए अभी? अब तक वेट किया है तो वेट करना चाहिए और जी बिल्कुल, वेट करना चाहिए। देखिए, ये जो बैंक गारंटी हटाने की बात और उसको मंजूरी जो मिली है, तो मेरे हिसाब से 30,000 करोड़ तक का कुछ टोटल बैंक गारंटी था, तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन तो वोडाफोन आइडिया का ही था, 24,000 करोड़ के आसपास। तो मुझे लगता है कि पर काफी पॉजिटिव है इस काउंटर के लिए, और इसमें होल्ड करने की सलाह मैं मेरी तरफ से दे रही हूँ। स्टॉप लॉस 650 का रहेगा, टारगेट इसमें 850 का पहला और उसके बाद 10 रुपए का दूसरा, लेकिन ये जो टारगेट है ये लॉन्ग टर्म के है। चलिए मैम, फ्रेश बाइंग की भी सलाह है क्या? नहीं, फ्रेश वाइन के लिए अभी ये काउंटर इतना प्रिपेयर नहीं रखता है। मेरे हिसाब से फ्रेश थोड़ा सा डिप मिलेगा तब करनी चाहिए, 7.5 रुपए से लेके 7.40 रुपए के आसपास। और दूसरा जो है मैम, इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो इंडस टावर को होता है, तो वहां पर भी आज एक मोमेंटम बना हुआ दिखाई दे रहा है इंडस टावर के शेयर में और करीब 2.25% ऊपर है, 343 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करें, क्या इंडस टावर में क्या अभी जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए और यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री की सलाह? फ्रेश एंट्री की सलाह इसमें जो रहेगी वो 360 के ऊपर रहेगी, तो वो लेवल क्रॉस होगा तो फिर फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। लिया हुआ है तो बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आता है 310 के स्तर पे, और टारगेट इसमें रखना है 385 का।